अलवल होटल में शांति बनाए रखने के लिए उपमंडल अधिकारी रणवीर सिंह की देखरेख में शहर भर में पुलिस के साथ पैदल मार्च निकालकर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। साथ ही शरारती तत्वों को यह चेतावनी भी दी गई कि जिले में धारा 144 लगी हुई है, अगर कोई भी इसका उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने अलग अलग थानों में ऐसे सैकड़ों अज्ञात लोगों के खिलाफ अब तक 10 मामले किए हैं, जिनकी पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार भी किया जाएगा। लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि पूरे अमन और शांति से शांति बनाए रखें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें, और पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है और आपके यहाँ शहर को पूरी शांति बहाल है पूरी शहर में, और चारों तरफ पुलिस लगी हुई है। किसी भी तरीके की कोई अफवाहों पर ध्यान ना दें और कोई भी ऐसी अनहोनी कोई घटना को ना घटित करें जिससे माहौल खराब हो, और पुलिस का सहयोग करें और शांति बनाने में पुलिस का पूरा सहयोग। तो सर, फ्लैग मार्च के समय आपने कुछ मुआयना भी किया है, आंखा पर क्या 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 चीज की होगी? फ्लैग मार्च के समय वैसे वो अपनी ड्यूटियाँ चेक करी थी, लगातार जहाँ जहाँ ड्यूटियाँ लगा रखी हो ड्यूटियाँ चेक की थी, और सिर्फ एक ये फ्लैग मार्च पूरे मार्केट के लिए। सर, एक कितने लोगों के खिलाफ कितनी FIR दर्ज की गई है और क्या कार्रवाई हुई है आरोपियों के खिलाफ? वो शरारती तत्व जो भी हैं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं और उनको जल्द ही उसमें गिरफ्तारियां की जाएंगी। और मतलब सर, कितने लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं उसमें? वो काफी लोगों के खिलाफ। सर, कुछ गिरफ्तार किए गए थे बताया जा रहा है, उनको पुलिस ने छोड़ दिया गया। लोगों को आरोप है कि ये लोग दंगा भड़काएंगे, पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया है। ना, ऐसा नहीं है, ऐसे किसी भी दंगा भड़काने वाले व्यक्ति को पुलिस किसी भी सूरत में छोड़ेगी नहीं और उनको गिरफ्तार भी करेगी। यहाँ सांप्रदायिक दंगे जो है वो भड़कने का आसार हो गया था, जैसा कि लू के अंदर जो भड़के हुए हैं उसका असर यहाँ पर भी आया था, एक दो मस्जिद के अंदर उत्पात भी हुआ था, एक दो दुकानें भी लूट ली गई थी, तो इसको लेकर के थोड़ा सा 144 लगा हुआ है एहतियात के तौर पर। आज 2 DSP और काफ़ी पुलिस वालों के साथ हमने फ्लैग मार्च किया और शहर घूम के देखा है कि कोई ज़्यादा गैदरिंग तो नहीं है, 5 से ज़्यादा के अलाउड नहीं होता। तो सर, क्या जिस तरह से शहर के अंदर मस्जिद हैं बाजार है, तो क्या क्या किस तरह से व्यवस्था की गई है? जितनी भी धार्मिक स्थल है, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, हमने वहाँ पर पुलिस डिप्लॉय कर दी है। बाकी शहर के जो चुनिंदा स्थान है वहाँ हमने पुलिस डाल दी है, और रैपिड एक्शन फोर्स भी हमने यहाँ पर डिप्लॉय करवा रखी है, और किसी भी प्रकार की कोई शांति भंग नहीं होने दी जाएगी। मैं शहरवासियों से भी अपील करता हूँ कि शांति बनाए रखें, प्रशासन का पूरा सहयोग करें।